हेलो दोस्तों दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर क्रोकोडाइल और एलिगेटर में लड़ाई होती है तो कौन जीतेगा? कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा? तो क्या आप जानते हैं एलिगेटर और मगरमच्छ में क्या अंतर है? एलिगेटर छोटे पैरों के साथ एक बड़ा रेप्टाइल जीव है, जिसकी लंबी पूंछ और बहुत शक्तिशाली जबड़े होते हैं। इसका मुंह यू शेप का होता है। एलिगेटर मुख्य रूप से अमेरिका और चाइना में पाए जाते हैं। ये जीव मीठे पानी में रहना पसंद करते हैं। इनके निचले जबड़े ऊपरी जबड़े की अपेक्षा छोटे होते हैं। वहीं मगरमच्छ की बात करें तो मगरमच्छ रेप्टिलिया वर्ग के सबसे बड़े जीवों में से एक है। इनकी लंबाई 4 से 25 मीटर तक होती है। इनके मुंह का आकार वी शेप का होता है। ये पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। मगरमच्छ का निचला जबड़ा बड़ा और ऊपर का जबड़ा छोटा होता है। इनका रंग हल्का हरा होता है। यह जीव खारे पानी में रहना पसंद करता है। जमीन पर और पानी में मगरमच्छ एलिगेटर की अपेक्षा धीरे चलते हैं। इसका यह भी कारण है कि एलिगेटर का आकार मगरमच्छ की तुलना में छोटा होता है। एलिगेटर मगरमच्छ की तुलना में ज्यादा फुर्तीला होता है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि एलिगेटर मगरमच्छ से ज्यादा खतरनाक और भयानक है, बल्कि मगरमच्छ एलिगेटर की तुलना में ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली होते हैं। एलिगेटर थोड़ा कम आक्रामक जीव माना जाता है। ये दोनों जीव अलग अलग प्रजाति से संबंध रखते हैं और दोनों का बिहेवियर भी अलग अलग है। इन दोनों जीवों के दाँत काफी बड़े होते हैं। एलिगेटर के कुछ ही दाँत बाहर दिखाई देते हैं, वही मगरमच्छ मुंह बंद करने के बाद भी अपनी सभी दांतों को नहीं छुपा पाता है। एलिगेटर आमतौर पर छोटे जीवों का शिकार करते हैं। वही मगरमच्छ के जबड़े और दांत बड़े होने के कारण मगरमच्छ बड़ी मछलियां और बड़े जानवरों का शिकार करते हैं। मगरमच्छ की जीभ में कुछ ऐसी ग्रंथियां होती है जिसके कारण मगरमच्छ खारे पानी या समुन्द्र के पानी में भी रह सकते हैं। वही एलिगेटर केवल फ्रेश वाटर में ही रह सकते हैं। एक वयस्क मगरमच्छ की लंबाई 19 फीट तक होती है और एक वयस्क एलिगेटर की लंबाई लगभग 14 फीट तक होती है। एलिगेटर और मगरमच्छ धरती पर दोनों समान गति से भागते हैं, लेकिन पानी में एलिगेटर ज्यादा फुर्ती होने के कारण मगरमच्छ से ज्यादा तेजी से तैरने में सक्षम है। एलिगेटर की स्पीड पानी में 32 किलोमीटर प्रति आवर होती है। वही मगरमच्छ की स्पीड पानी में 15 किलोमीटर प्रति आवर होती है। आमतौर पर एलिगेटर शांत स्वभाव के होते हैं। वे इंसान से डरते हैं, लेकिन जब वे आक्रामक होते हैं तो इंसान तक का शिकार कर लेते हैं, अगर कोई इंसान उन्हें छेड़े तो। अमेरिका जैसे देशों में लोग एलिगेटर को पालते हैं और उन्हें खाना खिलाते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी घटनाएं सामने आई है जिससे पता चलता है कि इंसान जब एलिगेटर को खाना खिलाते हैं तो कई बार एलिगेटर एग्रेसिव हो जाते हैं और वे इंसान को अपना भोजन बना लेते हैं। वही मगरमच्छ बहुत एग्रेसिव होते हैं। वे इंसान को आमतौर पर अपना शिकार बनाते हैं। इनमें किसी प्रकार का डर नहीं होता है। ऑस्ट्रेलिया के मगरमच्छ दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। वहीं अमेरिका में इंसान मगरमच्छ से ज्यादा एलिगेटर का शिकार बनते हैं। इसकी यह भी वजह हो सकती है कि वहां के लोग एलिगेटर पालना पसंद करते हैं। एलिगेटर के मुकाबले मगरमच्छ का ग्रोथ ज्यादा तेजी से होता है। मगरमच्छ ज्यादा तेजी से अपने शिकार को काटता है। इसके व्हाइट प्रेशर 3700 पाउंड पर स्क्वायर इंच होते हैं। वहीं एलिगेटर के व्हाइट प्रेशर 2900 पाउंड पर स्क्वायर इंच होते हैं। मगरमच्छ एलिगेटर से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। अभी तक का सबसे बड़ा मगरमच्छ 23 फीट लंबा पाया गया है और इसका वजन 2000 पाउंड से अधिक था। वहीं अभी तक का सबसे बड़ा एलिगेटर 19 फीट लंबा पाया गया है, जिसका वजन तकरीबन 1000 पाउंड था। ये दोनों जीव पूरी तरह से एक दूसरे से अलग है। मगरमच्छ को एलिगेटर के मुकाबले ज्यादा खतरनाक माना जाता है, फिर चाहे वह बात साइज, वेट या शिकार की हो। सभी में मगरमच्छ एलिगेटर से काफी आगे है। मगरमच्छ बड़े से बड़े जानवरों का शिकार आसानी से कर सकता है। उसके जबड़े बेहद ही मजबूत होते हैं। अगर यह एक बार किसी शिकार पर अटैक करता है तो उस शिकार के बचने की उम्मीद खत्म हो जाती है या उसे अपना भोजन बना लेता है।